अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज़ का डाटा कंपाइल करके हमें इंडेक्स में शो किया जाता है और इंडेक्स में हमें बताता है कि कंपनीज़ की कैसी परफॉर्मेंस है, उसमें कितना बाइंग हुआ है, कितना सेलिंग हुआ है और कंपनीज़ को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बिना पे इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। जैसे शेयर कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी की बेस पे हम कंपनीज़ को इंडेक्सेस में ऐड करते हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में इतने पॉइंट्स की कम या इतने पॉइंट से बढ़ गया वो, तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि उस इंडेक्स में जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ में कितनी बाइंग या सेलिंग हुई है। अगर बाइंग ज़्यादा हुई है तो उसका इंडेक्स का पॉइंट्स बढ़ता है और अगर सेलिंग ज़्यादा होता है तो उस इंडेक्स का पॉइंट्स नीचे या कम होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन टोटल 13 इंडेक्स हैं और किसी भी इंडेक्स का ये मतलब नहीं है कि उसमें लिस्टेड होने वाली कंपनी किसी और इंडेक्स में लिस्ट नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल लेते हैं PPL का, जो इन 13 में से 10 इंडेक्स में लिस्टेड है क्योंकि वो 10 इंडेक्स के क्राइटेरिया को मीट करता है। पहला इंडेक्स है KSE 100, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ से पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा 100 कंपनीज़ को लिस्टेड किया गया है। दूसरा इंडेक्स है KSE 30, जिसमें 30 कंपनीज़ हैं और उसमें फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन और शेयर लिक्विडिटी के थ्रू उसमें 30 कंपनियां ऐड की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। थर्ड इंडेक्स है KMI 30, जिसमें 30 कंपनियां हैं और उनको शरिया कंप्लाइंट कंपनीज भी कहा जाता है, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स कहा जाता है क्योंकि उस इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनका फाइनेंस या बुक कीपिंग या अकाउंटिंग सब इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू होती है और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज का इकलौता मिजान इंडेक्स है। KSE All 4th इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरह के बिना पे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज हैं उन सब को लिस्टेड करता है KSE All। 5th इंडेक्स है KMI All, जिसमें मीज़ान या शरिया कंप्लाइंट जितनी भी कंपनीज हैं उन सब का डाटा कंपाइल करके हमें ये इंडेक्स शो करता है। 6th है NITPG इंडेक्स, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या KSE 100 की 15 कंपनीज़ का डाटा कंपाइल करके हमें शो करता है ये इंडेक्स। 7th इंडेक्स है UPP 9 इंडेक्स, जिसमें KSE 100 के टॉप 9 कंपनीज़ का डाटा हमें कंपाइल करके शो करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और इस सेक्टर में ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ बिल्कुल भी नहीं है। 8th इंडेक्स है NBPPG इंडेक्स, ये इंडेक्स नेशनल बैंक वालों ने बनाया है और ये शो करता है हमें KSE 100 की 15 टॉप कंपनीज़ का डाटा कंपाइल करके हमें शो कर। 9th इंडेक्स है MZNPI इंडेक्स, जिसमें जो इंडेक्स मीज़ान बैंक वालों ने बनाया है और इसमें तकरीबन 12 कंपनीज़ का डाटा कंपाइल करके शो करता है जो KMI 30 की इंडेक्स में लिस्टेड हैं, उनमें से जो टॉप की 12 कंपनीज हैं उनका डाटा हमें शो करता है कंपाइल करके। 10th इंडेक्स है OGT इंडेक्स, इसमें ऑयल एंड गैस की कंपनीज लिस्टेड हैं और ये सिर्फ ऑयल एंड गैस की कंपनीज का डाटा हमें कंपाइल करके शो करता है। 11th इंडेक्स है BKT इंडेक्स, जो हमें बैंकिंग सेक्टर के तमाम बैंकिंग फर्म्स का डाटा कंपाइल करके शो करता है। 12th इंडेक्स है JSMF इंडेक्स, ये इंडेक्स JS बैंक वालों ने बनाया है और ये हमें जो लास्ट 30 डेज में जिन कंपनीज के शेयर्स बहुत ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, मतलब जो टॉप ट्रेडिंग शेयर्स थे उनका डाटा हमें शो करता है। और लास्ट है ACI इंडेक्स, और इसमें तकरीबन 20 कंपनीज़ का डाटा हमें कंपाइल करके शो करता है जो KSE 100 में होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह का वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।